नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं आपके साथ अनिष्का पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रालयों का भी बंटवारा कर दिया गया है। नए कैबिनेट में कई मंत्रालय बदल दिए गए हैं और कई मंत्रियों को कुछ अहम मंत्रालय दिए गए हैं। साथ ही कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनके मंत्रालय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और बता दें कि पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। आई देखते हैं इसमें हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है, जिसके बाद मंत्रियों को अलग अलग विभाग और नई जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो पीएम मोदी के पास विज्ञान और तकनीकी विभाग रहेगा, वहीं अमित शाह सहकारिता विभाग संभालेंगे। निर्मला सीतारमण पहले की तरह वित्त मंत्री बनी रहेंगी। राजनाथ सिंह पहले की तरह रक्षा मंत्री रहेंगे और उनके मंत्रालय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास संभालेंगी, वहीं मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री रहेंगे। पीयूष गोयल कपड़ा वाणिज्य और उद्योग के मंत्री रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कहलाएंगे और नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। किरण रिजिजू कानून मंत्रालय संभालेंगे और एस जयशंकर विदेश मंत्री कहलाएंगे। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री होंगी। अश्विन वैष्णव के पास रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्रालय संभालेंगे। अनुराग ठाकुर के पास युवा खेल मंत्री और सूचना प्रसारण का मंत्रालय होगा और एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री होंगे। भूपेंद्र यादव श्रम एवं पर्यावरण मंत्रालय संभालेंगे। सर्वानंद सोनोवाल आयुष मंत्री कहलाएंगे। नारायण राणे एमएसएमई मंत्री होंगे और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग संभालेंगे। जी किशन रेड्डी पर्यटन और संस्कृति मंत्री होंगे। प्रहलाद पटेल के पास जल शक्ति राज्य मंत्रालय होगा और आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री कहलाएंगे। पशुपति पारस फूड प्रोसेसिंग और खाद्य प्रसारण के मंत्री होंगे। आरके सिंह ऊर्जा मंत्री और पंकज चौधरी के पास वित्त राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। तो ये थी बुलेटिन हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।